सहारनपुर की देवबंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें देवबंद पुलिस ने डकैती डालने वाले 25-25 हजार के चार शातिर डकैतों इमरान पुत्र रज्जाक, सऊद उर्फ सोनू पुत्र इकबाल, मेहताब पुत्र अब्बास व शोएब पुत्र नौशाद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन तादा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए डकैतों से 2 तमंचे, 2 मस्कट, 13 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल व कई डकैतियों का लूटा हुआ माल भी बरामद हुआ है। ये एक गैंग है जो कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के अभियुक्तों का है और ये अभी तक पिछले 1.5 महीने में इन्होंने मेरठ में 1, मुजफ्फरनगर में 2, शामली में 2 और सहारनपुर में 2 लूट व डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया है। और इसमें पूर्व में इनके 2 साथी हैं, वो पूर्व से पुलिस ने जेल भेजे थे और ये जो कल एक अभियुक्त था कुर्बान, वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ था, उन्हीं के पूछताछ में इन लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें कि आज ये अभियुक्त पकड़े गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहने बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में शस्त्र बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। के ऊपर पुलिस काफ़ी समय से निगाह रखी हुई थी। ये चारों पांचों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं ये इनामी अभियुक्त हैं और इन चारों पर 25,000 का इनाम भी है। इनसे भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है, पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक घटनाएं पूर्व में कारित की हैं और इसमें 1 अभियुक्त अभी इनके गैंग का फरार है और उसकी भी तलाश की जा रही है और 2 अन्य घटनाओं में लोग सामने आए हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी कार्रवाई कर उनको भी सलाखों के पीछे किया जाएगा। सर, जो लूटपाट करते थे, सहारनपुर की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को होटल सिटी हॉट पर हंगामे के बाद मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किया। मुकदमा पंजीकृत कर 6 वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र फुरकान अहमद निवासी खानालमपुरा, अरसलान पुत्र जुल्फुकार निवासी अब्दुल्ला कॉलोनी, मोहम्मद हारून पुत्र फुरकान अहमद निवासी खानालमपुरा, आतिफ पुत्र नौशाद अहमद निवासी टीचा कॉलोनी, साकिब पुत्र रफीउल्ला निवासी देहरादून चौक व आसिम पुत्र दिलावर खान निवासी खानालमपुरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा प्रकरण की जाँच की जा रही है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। थाना कोतवाली नगर में कल शाम के समय कुछ युवकों ने 2 युवकों के साथ मारपीट की और हंगामा किया और इसमें कोई महिलाओं का कुछ मामला था जिस पर कि ये पुलिस थाने लाए गए। इसमें जो वीडियो था उसके आधार पर शिनाख्त करते हुए मारपीट करने वाले पक्ष ने मुकदमा दर्ज करवाया और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वीडियो के आधार पे। बाकी अन्य लोग फरार हैं जिनकी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता से एसपी सिटी के द्वारा जाँच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ़ मुकदमे में गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। कुल कितने लोगों पर मुकदमा लिखा गया है? अभी तक 6 की तो गिरफ्तारी हुई है, कुल कितने लोग हैं इसमें? इसमें मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध लिखा गया है। जो लोग भी कैमरा में नज़र आ रहे हैं उन सबकी पुलिस तलाश कर रही है और किस प्रकार ये घटना को अंजाम देने में क्या साजिश थी, किस किस ने ये साजिश रची है, उन सबकी भी तलाश कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में नेत्रहीन व विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान चंद्र विहार कॉलोनी में CBSE बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नेत्रहीन बालकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के अध्यक्ष अशोक पुंडीर और संस्था के अध्यक्ष संजय शर्मा, सुषमा शर्मा, कुलदीप पुंडीर, कमल श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नेत्रहीन लड़की मनीष और आशीष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज ये जो कार्यक्रम है, ये जो नेत्रहीन बच्चे हैं उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिन बच्चों ने CBSE बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो जो नेत्रहीन की प्रतिभाएं हैं उन्हें उजागर करने के लिए आज एक सम्मान समारोह का आयोजन भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के सदस्यों के द्वारा किया गया है और इसमें उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। प्रख्यात सामाजिक संस्था स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा एवं द परवेज सागर फाउंडेशन इंडिया के बैनर तले नगर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया। इस अवसर पर बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया और सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए।
महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कार्य करने वाली अग्रणी संस्था स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा ने अपने सहयोगी संगठन द परवेज सागर फाउंडेशन इंडिया के साथ मिलकर नगर के शैला कंप्यूटर सेंटर पर अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म और उससे जुड़ी समस्याओं के विषय में जानकारी दी गई। तो आप सबने न्यूज़ सुनी है ना, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आई थी कि एक साउथ अफ्रीका में एक शहर है केप टाउन, है ना, वहाँ पे पानी बिल्कुल खत्म हो गया। सबने सुना, आप चाहते हो हमारे यहाँ में भी ये नौबत आए? नहीं ना, वहाँ कुदरत ने दस्तक दी है, यहाँ हम अपनी संस्था की तरफ से हर घर चाहे हमें जाना पड़े, चाहे स्कूलों में जाना पड़े, हम सब जगह ये दस्तक देंगे कि अब हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी है, पानी को तरीके से इस्तेमाल करना। हम लोग जैसे वो करते हैं ना, एक बाल्टी ली, दो बाल्टी ली, अपने आप में एक प्रतिज्ञा, एक प्रण ले कि आज मैं सिर्फ एक बाल्टी से नहाऊंगा।